हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम म्यूजिक हिंदुस्तानी गायन का पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार, वर्ण और कर्ण की परिभाषा लिखिए। अलंकार नियमानुसार स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं, अर्थात कुछ विशेष नियमों से बंधे हुए स्वर समुदाय को पलटा या अलंकार कहते हैं। वर्ण गान बजाने की प्रत्येक क्रिया के अंग होते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं, अर्थात स्वरों की विभिन्न कर्ण या चाल को वर्ण कहते हैं। कर्ण स्वर किसी भी एक प्रधान स्वर उसके पूर्ण वृत्ति अथवा प्रवृत्ति स्वर के स्पर्श को अलंकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग वर्गीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन थर्ड, संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संगीत रत्नाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव जी ने की थी। पंडित शारंगदेव एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री सोडल बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो राजा विल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। ऐसे महान धानी व्यक्ति के घर पंडित शारंगदेव जी का जन्म एवं पालन पोषण हुआ। पंडित जी ने सभी देवताओं की आराधना की, संपूर्ण शास्त्रों का मर्म ज्ञान, गुणियों का सम्मान किया, अनेक संगीत विद्वानों से मिलकर संगीत के विषय में ज्ञान प्राप्त किया और स्थान स्थान पर भ्रमण करके अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन करके सभी संगीत संबंधी सामग्री को संगीत रचना करके अंतर्गत समाहित किया। इस ग्रंथ के मुख्य प्राणी संगीत के मुख्य ग्रंथ के रूप में स्वीकारा गया है। पंडित जी ने अपने ग्रंथों को मुख्य रूप से 7 अध्याय में विभाजित किया है। पहला है स्वराध्याय, संगीत लक्षण। पंडित शारंगदेव जी गीत वादु और नृत्य। दूसरा, राग विवेकाध्याय के समन्वित रूप को संगीत मानते हैं एवं नृत्य को वाद्य। तीसरा, प्रकीर्णव अध्याय, अनुकरण करने वाला एवं वाद्य गीत का अनुकरण करने वाला। चौथा, प्रबंधाध्याय, मानकर गीत को प्रधान मानते हैं। पांचवा, तालाध्याय, उन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार का संगीत माना है, वाद्याध्याय, मागी संगीत, देशी संगीत। अथवा संगीत परिजात में चर्चित श्रुति और स्वर के संबंध पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, 2 आलापों सहित राग बागेश्वरी के महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए। इसी में दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय व भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास के प्रति किए गए योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उस्ताद अब्दुल करीम खान, दूसरा उस्ताद फैयाज खां,
एवं तीसरा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पांचवा प्रश्न झपताल अथवा रूपक का ठेका उसकी दुगुन सहित लिखिए, रूपक ताल एवं झपताल। प्रश्न छह अपने पाठ्यक्रम के किसी एक राग में एक द्रुत ख्याल स्वर लिपि सहित लिखिए, प्रश्न सात निम्नलिखित दो रागों को पहचानिए और उनमें से प्रत्येक का कम से कम 25-25 स्वरों में विस्तार कीजिए, पहली स्वर मालिका बागेश्वरी राग की है, एवं दूसरी स्वर मालिका मालकोस राग की है। प्रश्न आठ रागों के समय सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, पहला वर्ण मूर्छना आलाप मींड